अभी लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उन सबको भी मैं यही कहूँगा कि ध्यान करो थोड़ी थोड़ी देर बैठ के। ध्यान करने से मस्ती बढ़ती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अंतस्पुरणा होती है। जो होने वाला है वो पहले से चित्त के पलट में वो आने लगता है। तो ध्यान से लाभ ही लाभ है। ध्यान माने मन को कंट्रोल करना नहीं है। कई लोग समझते मन को कंट्रोल करो, विचार आए तो उसको भगाओ, ये नहीं है। ध्यान मन का विकास। जैसे खुशी होती है तो क्या अनुभव होता है, ऐसा लगता है हमारे भीतर से कोई चीज फैल रही है। जब दुख होता क्या लगता है, ऐसे कुछ संकुचित हो गया, कुछ सिकुड़ गया हमारे भीतर। ये होता है कि नहीं, ये क्या चीज है हमारे भीतर जो सिकुड़ता है और कभी फैलता है, इस पर ध्यान देना। दृश्य से दृष्टा पर ध्यान देना। ये सब दृश्य है, हम भी जब तुम बैठे हो हम दृश्य हैं। हमको छोड़ो, तुम अपने आप में मन को लेके आओ। ये दृष्टा पर मन को लेके आना, ये ध्यान है। और फिर आओगे तो पहले क्या आएगा, सारे सब तरह की विचारें आएंगे, अच्छे बुरे। अच्छे विचार आए तो भी स्वीकार करो, गले लगा लो उसको। बुरे विचार आते हैं उसको भी गले लगा लो। क्यों, बुरे विचारों को भगाने की चेष्टा करोगे वो फिर हावी हो जाएगा। इसलिए उसके साथ हाथ मिलाओगे तो वो चला जाएगा तुरंत, जैसे आया वैसे चला गया। तो इसलिए शनै शनै रूपरमेत, धीरे 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 वो सब विचारों के जंजाल से अपने मन को शांत करते करते थोड़ी देर में, दो चार मिनट में, 10-15 मिनट के अंदर मन शांत हो जाता होता है। नहीं, कितने लोगों को होता है यहाँ पर, देखो सबको हो रहा है ना। इस तरह से करते 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 फिर हमारे भीतर ऐसी एक प्रसन्नता शांति छाई रहेगी हमेशा के लिए। और ईमानदारी हमारे जीवन का स्वभाव बन जाएगा। ईमानदार बनने के लिए हमें कुछ करने नहीं पड़ता। ईमानदारी हमारी नेचर हो जाएगा, स्वभाव में बन जाएगा। तो प्रेम और स्नेह हमारा स्वभाव बन जाएगा। तनाव से मुक्त हो कि मैं कौन हूं, अपनी आत्मा में टिकना है। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। हे वसुधैव 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 कुटुंबकम। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान।